एक समय था जब ना तो बिजली के लैंप थे और ना ही कोई वाहन होता था। तब महिलाओं के प्रसव व प्रसव के बाद की देखभाल करने के लिए केरल के तिरुवनंतपुरम में वेल्लाराड़ा पंचायत की नेसम्मा नाम की एक महिला पर ही भरोसा किया जाता था। अब 103 साल की आयु में भी नेसम्मा पूरी तरह से फिट है, क्योंकि उन्हें किसी तरह की कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं है। इसीलिए वे उतनी ही ऊर्जावान है जितने की कम उम्र में थी। पहाड़ी क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए ये दादी उनकी प्यारी कुट्टी के नाम से भी जानी जाती है। दरअसल आधुनिक चिकित्सा के द्वारा प्रसव के क्षेत्र में जन्म से पहले, जन्म के बाद और कई बर्थिंग विकल्प जैसी सुविधाओं का योगदान दिया गया है। लेकिन नेसम्मा ने बहुत पहले ही 5000 से अधिक सफल प्रसव कराए और प्रसव पश्चात नाभि की नली को काटा है। इन्होंने हजारों परिवार में जन्म की खुशियां और उत्सव को अपनी आंखों से देखा है। नेसम्मा का घर केरल के तिरुवनंतपुरम में एक छोटे से पहाड़ी इलाके वेल्लाराड़ा के काठीपारा चंगीली में है। ഈ മുത്തശ്ശി ഈ വെള്ളറട ഗ്രാമത്തിന്റെ ഉൾത്തൊടുപ്പായിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു। वेल्लाराड़ा निवासी प्रसव और प्रसव के बाद की देखभाल के लिए दाई नेसम्मा पर निर्भर है। वे उस समय से यहाँ रहती हैं जब जंगली जानवर यहाँ वहाँ घूमा करते थे। आसपास कहीं भी कोई अस्पताल या चिकित्सा सुविधा तब नहीं थी। यही कारण है कि नेसम्मा ने अकेले ही बच्चे का प्रसव कराने का बीड़ा उठाया और अनवरत इस सेवा को जारी रखा। आधुनिक समय में ज्यादातर लोग प्रसव, प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद की देखभाल के लिए अस्पतालों पर पूरी तरह से निर्भर है। निजी अस्पताल प्रसव व प्रसव के बाद की देखभाल के लिए इन दिनों पूरा पैकेज प्रदान करते हैं। पैकेज सिस्टम या चिकित्सा में किसी भी औपचारिक शिक्षा न होने के बावजूद नेसम्मा ने शिशुओं का जन्म कराने में 5000 से अधिक लोगों की मदद की है। पहाड़ी गांव होने के नाते ये क्षेत्र कुछ दशक पहले तक जंगली जानवरों से भरा पड़ा था। जंगली जानवरों के बारे में बिना डरे चाहे दिन हो या रात नेसम्मा गर्भवती महिलाओं तक पहुंचने के लिए दौड़ पड़ती थी। नेसम्मा के द्वारा अंतिम प्रसव 1989 में कराया गया था। मैं अम्मा की बहू हूँ, उन्होंने ही मेरे दोनों प्रसव कराए हैं। अम्मा इस क्षेत्र में कई स्थानों पर प्रसव और उसके बाद की देखभाल के लिए जाती रही हैं। अम्मा इस क्षेत्र में कई स्थानों पर प्रसव और उसके बाद की देखभाल के लिए जाती रही हैं। उन महिलाओं की सूची बहुत लंबी है जिनकी नेसम्मा ने प्रसव कराया है। उनमें पुष्पम उनकी बेटी और उनकी बहू बेबी सरोजम भी शामिल है। नेसम्मा ने वेल्लाराड़ा, नीलमा मुदु, चेरिया कोला, पन्नीमाला, करीपुवली, कडुक्का, कोबराम, गणपति थल्लू, कुटाली और अरुकुजी गांव में परिवारों की सेवा की है। नेसम्मा की विशेषज्ञताओं को एक दाई के रूप में जानने पर उन्हें सरकारी नौकरी देने की पेशकश की। हालांकि परिवार के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं के कारण वह सरकारी सेवा को स्वीकार करने से मना कर दिया था। लोग घर आते थे और कई बार मुझे इमरजेंसी में बुलाते थे। दिन हो या रात मैं मदद के लिए भागी चली जाती थी और महिला की मदद करती। मैं उन जगहों पर भी गई जहां अमूमन पहुंचना बेहद ही मुश्किल भरा था। यह दादी जिनके 8 बच्चे और 18 पोते हैं और वह 4 पीढ़ियों को देखने वाली भाग्यशाली महिला है। सुनने और देखने में थोड़ी सी परेशानी जैसी उम्र से जुड़ी हल्की समस्याओं के बावजूद नेसम्मा 103 साल की उम्र में भी स्वस्थ हैं। दशकों के अनुभव के साथ वह एक मजबूत महिला और विशेषज्ञ दाई के तौर पर खुश है। कई संगठनों ने कई बार सम्मानित भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।